कैराना में पटाखा फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत बताई जा रही है। पूरी घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के जगनपुरा रोड की बताई जा रही है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, वहां पर भयंकर विस्फोट हुआ जिससे पटाखा फैक्ट्री ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। फैक्ट्री में काम कर रहे 10 से 15 लोग मलबे के नीचे दब गए। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, जिसकी सूचना पुलिस व प्रशासन को दे दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में SDM कैराना भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और विस्फोट में झुलसे लोगों को एम्बुलेंस व निजी वाहनों से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकान के दरवाजे व खिड़कियां भी हिल चुकी। आज अभी यहाँ सूचना मिली है विस्फोट की, जिसके संबंध में मैं और SP साहब यहाँ पहुँचे हैं, फायर वाले पहुँचे हैं, SDM लोग हैं, एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और उसी में ये विस्फोट हो पाया है। एम्बुलेंसेज हैं, जितने घायल हैं उन लोगों को निकाल के हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं और SRO ऑपरेशन चला रहे हैं। ये हम अपने खेत से वापस इधर कैराने की साइड जा रहे थे तो बड़ा धमाका हमें सुनाई दिया, तो हमने यहाँ आके देखा तो लोगों ने बताया कि कोई पटाखे की फैक्ट्री थी, उसमें विस्फोट हुआ, जिसमें हमने आके देखा तो मौके पे 4-5 लोग डेड हो चुके थे और लगभग 5-6 लोग इंजर्ड थे जो हम सब ने मिलकर निकाले। प्रदेश सरकार विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए